स्टूडेंट राइट, रिग्रेशन में भी हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन लाइन राइट, टेबल दिया रहेगा अपने को, तो कैसे स्टार्ट करें, कैसे सॉल्व करें, सब डाउट क्लियर करता हो जाओ। तो क्वेश्चन में क्या दिया अपने को मालूम है क्या? वी हैव गिवन एक्स एंड वाई, एक्स और क्या दिया अपने को, वाई दिया राइट। तो राइट, तो अपने को भी क्या दिया, एक्स और वाई वेरिएबल दिया राइट। तो जो हॉरिजॉन्टल लिखा है ना उसको अभी हम लोग स्ट्रेट लिख देंगे। तो क्या क्वेश्चन है, वन टू थ्री टू वन सिक्स, ये x हो गया अपना राइट। तो अभी सबसे पहले अपने को क्या निकलना है, x बार निकलना है। तो x बार आपको मालूम है n कितना है, 1 2 3, n तो 3 हो गया तुम्हारा, उसको बॉक्स में डाल दो। x बार का मतलब क्या होता है, टोटल ऑफ x डिवाइड बाय n। तो अभी अपने को x का क्या लेना पड़ेगा, टोटल लेना पड़ेगा, 1 और 2 3 3 और 3 6। तो x का टोटल कितना है, 6 आया राइट, डिवाइड बाय n, n कितना है, 1 2 3, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे। तो x बार कितना क्या, 2, तो ये तुम्हारा 2 क्या हो गया, x बार ठीक है। तो अपना x बार मिल गया ठीक है, इधर लिख दिया मैंने ऐसा। सेम अपने को y बार निकालना है, तो y बार कैसे निकालेंगे, टोटल ऑफ y डिवाइड बाय n, तो इसका टोटल ले लेंगे, तो ये 9 हो जाएगा राइट, 9, n कितना है, 3 है, तो 9 को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 आंसर आएगा। ये अपना y बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y बार। तो इसको मीन ऑफ x बोलते हैं, इसको मीन ऑफ y बोलते हैं ठीक है, कुछ भी नाम बोल सकते हैं आप। अभी क्या करने का अपने को, हर x को ना x बार से माइनस करेंगे, तो अपने को ये कॉलम मिलेगा, x माइनस x बार, तो ये 1 है और ये कितना, 2 है, तो 1 में से 2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 1 में से 2 गया तो माइनस 1 आएगा, ये 2 है, 2 में से 2 गया तो 0 आएगा, 3 है, 3 में से 2 गया तो 1 आएगा। इसका टोटल ले लेंगे तो कुछ आंसर 0 मिल रहा है तुमको ठीक है। सेम अभी अपन क्या निकालेंगे, y माइनस y बार, तो हर y को इससे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 2 है, 2 में से 3 राइट, y बार माइनस है, 2 में से 3 गया तो माइनस 1 आएगा, 1 में से 3 गया तो माइनस 2 आएगा, 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा। इसका टोटल ले लेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ठीक है। अभी नेक्स्ट कॉलम क्या बनाएंगे, x माइनस x बार, y माइनस y बार, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा राइट। अपने को फाइंड क्या करने का, x 4 दिया है, y ढूंढना है, तो पहले टेबल सॉल्व करना पड़ेगा। अभी टेबल से बता दो क्या है, तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे राइट, 1 1 ज़ा 1 माइनस हट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 3 ज़ा 3, इसको ऐड कर लेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा ठीक है, टोटल ले लेंगे 4। अब इधर x माइनस x बार का होल स्क्वायर, मतलब ये कॉलम का क्या ले रहे हैं हम लोग, होल स्क्वायर ले रहे हैं x माइनस x बार का, तो माइनस 1 का 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो इसका टोटल ले लेंगे तो 2 आएगा। और एक कॉलम बना देते हम लोग, चलो इधर लिख देते y माइनस y बार का होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर निकाल लेंगे राइट। तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इसको ऐड कर लेगा तो 14 आ जाएगा राइट। अभी अपनों को क्या है, क्या फाइंड करने का था मालूम है, अभी एक रिग्रेशन लाइन लिख देते अपनों, इधर क्या दिया है, फाइंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4, मतलब अपने को वाई ढूंढना है, एक्स 4 दिया है, तो वी हैव टू यूज रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स। क्या लाइन यूज करेंगे, रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, तो क्या फॉर्मूला है, वाई माइनस वाई बार लिखेंगे, इधर एक्स माइनस एक्स बार लिखेंगे, इधर बी लिखेंगे, आगे को वाई है ना, इधर आएगा बी वाई एक्स, क्या जाएगा, बी वाई एक्स हो जाएगा ठीक है। तो ये अपना रिग्रेशन लाइन है ठीक है। तो अभी अपने पास सब वैल्यू है कि नहीं, पहले चेक करें, वाई ढूंढना है, वाई बार है ना अपने पास 3, बी वाई एक्स नहीं, अभी इसको ढूंढेंगे तो सॉल्व करेंगे। एक्स तो क्वेश्चन में दिया देखो 4, एक्स क्वेश्चन में, एक्स बार, एक्स बार कितना दिया, 2 दिया है, तो अपने पास बी वाई एक्स नहीं है ना, बी वाई एक्स को अपने को सॉल्व करना पड़ेगा राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे बी वाई एक्स को, तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला है, तो समेशन ऑफ ये टोटल लेंगे इसका, क्या x माइनस x बार, y माइनस y बार, इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, लास्ट में कौन है, x है ना, देखो लास्ट में x है, तो ये वाला पार्ट उठाएंगे, टोटल ऑफ x माइनस x बार, ये इसका फॉर्म हो गया बी वाई एक्स का। तो अपने पास है इसका टोटल, इसका टोटल 4 है, x माइनस x बार का टोटल कितना है, 2 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने को मिल जाएगा बी वाई एक्स 2, सिंपल। अगर मान लो अपने को ये ढूंढने का था बी एक्स वाई, पूछा नहीं है तभी भी, तो कैसे सॉल्व करते हैं, x माइनस x बार, y माइनस y बार, ऊपर वाला फिक्स है, लास्ट में क्या y है ना, इधर आएगा टोटल ऑफ ये आ जाएगा, y माइनस y बार का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू तो 4 है अपने पास, y माइनस y बार कितना दिया है, 14 दिया है, इसको सॉल्व करके जो आंसर आता हम लिख देते राइट, तो 0.28 आता ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाता बी एक्स वाई, पर ये पूछा नहीं, इसको साइड में रख देता हूँ। पर अभी अपने को रिक्वायरमेंट किसका है, बी वाई एक्स का राइट, तो बी वाई एक्स आया ना सॉल्व करके 2, वो 2 यहाँ लिखेंगे आप लोग,
अब इसको सॉल्व कर देंगे आपको सिंपली y मिल जाएगा। फर्स्ट सॉल्व दी ब्रैकेट, चार में से दो गया, दो आया, ठीक है। टू टू ज़ा फोर, माइनस थ्री इधर रहेगा तो प्लस थ्री, तो सेवन आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्या आंसर आ जाएगा? सेवन। तो क्या क्वेश्चन था? जब x चार है तो y कितना रहेगा, तो y कितना रहेगा? सेवन रहेगा, राइट। तो इस तरह तुमको टेबल वाला सम सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन में दिया था, ठीक है, सिर्फ इतना सा वैल्यू, और अपन को ये सॉल्व करने का। अगर मान लो इधर r भी पूछा है कोरिलेशन का, तो माइनस प्लस लिखेंगे अंडर रूट बी वाई एक्स बी एक्स वाई, प्लस माइनस दोनों की साइन क्या, प्लस है तो प्लस रहेगा। ये टू है, ये 0.28 है, अभी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 56 हो जाएगा, 0.56। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, राइट। तो 56, तो एक तो 49 का स्क्वायर आता है और एक 64। 56 किसके बीच में आता है? इन दोनों के बीच में आता है, राइट। तो 49 के नज़दीक है, तो 0.7 समथिंग रहेगा। तो 0.56 का स्क्वायर रूट है ना, 0.748 डाल दिया अपन ने, ठीक है। तो ये तुम्हारा आर भी आ गया, पूछा नहीं है पर अपन निकाल दिया ना। तो इस तरह से रिग्रेशन का सम तुम्हारे लिए सॉल्व कर दिया है, और भी बहुत सारे सम अलग अलग डिफरेंट एप्लीकेशन सम सॉल्व कर दिया है, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, राइट। तो एक सम पे भी एक ही वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ ताकि ना एक सम आए अच्छे से आ जाए, ताकि जंबल 10 एक ही वीडियो में 10-12 सम बनाएंगे तो बोरिंग लगेगा ना, इसके लिए नहीं बना रहा। थैंक यू।